और अब हमारे एनडीटीवी के एमपीसीजी जो चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल, उसकी एक खास मुहिम थी, उसकी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 2017 में ना चाहते हुए भी नेताओं अधिकारियों को लाल बत्ती का मुंह छोड़ना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे बत्ती की जगह हूटर ने ले ली है। सड़क पर हूटर बजाकर वीआईपी आने का एहसास करा रहे हैं, कराते रहे हैं। कानूनन इसकी इजाजत नहीं है। हूटर लगाने की अनुमति चुनिंदा वाहनों को ही मिली हुई है, जिसमें आपात सेवा में लगी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कुछ खास परिस्थितियों में पुलिस वालों को हूटर के इस्तेमाल की इजाजत है। लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, खुद कानून बनाने वाले मंत्री विधायक कानून तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। मैंने देखा आपकी गाड़ी पर हूटर नहीं है, पर फिर भी अभी कई लोग हूटर फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। नहीं, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं एक बार समझूंगा, देखूंगा, फिर इस बारे में बातचीत। गाड़ी पर हूटर लगा हुआ है, अलाउड नहीं है नियमों के अनुसार। सर, आपको जानकारी अच्छे से होगी। सर, आपकी गाड़ी में लगाए हूटर लगाना यूजुअली अलाउड नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो नुक्कड़ मीटिंगों के लिए लगा रखा है। आपकी भी गाड़ी में हूटर लगा हुआ है? ये लाल बत्ती नहीं है, हूटर। हाँ, हूटर भी प्रतिबंध देते हैं। हाँ, सब लगाया है। अच्छा, सभी लगाए हैं? हाँ। अच्छा, सभी लगाए हैं, इसलिए आपने भी लगाया है? हाँ, लगा लिए। अगर सब हटा देंगे तो नियम आएगा, आदेश आगे निकाल देंगे। अच्छा, आदेश तो पहले से सुप्रीम कोर्ट का? मेरे को नॉलेज नहीं। आपकी गाड़ी में हूटर लगा तो यूज करते हैं उसका? ये गाड़ी तो अब सरकारी है, मेरी गाड़ी है नहीं। अच्छा, जैसा मिला था वैसा है। अच्छा, मतलब विभाग ने जैसा लगा के दे दिया? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये आपकी गाड़ी में भी हूटर लगा है जी, तो आपको ठीक लगता है? लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए, विधायक है, मिलेस है, तो डर लगना चाहिए। अच्छा, मतलब दूर से पता आना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कि एक विधायक हो या इनको देखो, उसको जब ऊपर के हूटर को देखते ना, तो हमारे विपन्न क्षेत्र में जाता ना, तो छोटे से लेकर भी जानते कि हमारे विधायक आते हैं। अच्छा, इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है क्षेत्र में? हाँ हाँ, क्षेत्र में जनता देखते हैं तो लगता है कि कोई वीआईपी गाड़ी आया है। अच्छा, वीआईपी गाड़ी आया है, तो सिर्फ वीआईपी बनने के लिए लगाया जाता है। खैर, आप वीआईपी हो गए, विधायक हैं। मोदी जी की एक परिकल्पना है वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए, उन्हें पहले लाल बत्ती हटाई और हूटर भी लगाना प्रतिबंधित है, और आपकी गाड़ी में लगा है। कहाँ प्रतिबंधित है? हूटर लगाना तो प्रतिबंधित नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है कि क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस है, पुलिस है, परिवहन है, हूटर का भी कोई ऐसा आया नहीं है। अब जब हूटर का आ जाएगा तो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं है? आया नहीं है हमारी जानकारी में, और आएगा तो बंद। बड़ा सा आपने वाहन लिया है, इस पे हूटर लगा रखे हैं, क्यों लगाए? ये तो देखेंगे, मुझे पता चला है कि अभी हूटर लगाना प्रतिबंध है, मना कर रखा है ऐसा, तो मैं नोटिस वगैरह देखेंगे, फिर जैसा नियम में आता वैसा करेंगे। और जबकि सूबे के प्रमुख जो हैं मोहन यादव, मुख्यमंत्री जो हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। प्रधानमंत्री जी की आपने बहुत सारी बातें की, और सबसे पहला जो उनका देश ने देखा था कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए उन्होंने मना किया कि कोई मंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएगा, लेकिन कई सारे राज्यों में हमने देखा उसके बाद लोग हूटर को प्रचलन में ले आए। और आलम यह है कि आज अगर एक छोटा नेता है वो भी अपनी गाड़ी में हूटर बजाते हुए चलता है, आपने कुछ खबरों में सुना ही होगा कि अभी एक मंत्री जी के सुपुत्र पर भी आरोप लगा कि उन्होंने मारपीट की, और आपने भी ये खबरें आई कि आपने और बीडी शर्मा जी ने भी नाराजगी जताई है, तो इस तरह की वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए भी सरकार का कोई कदम उठाएगी? देखिए, हमारी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को तो समाप्त किया, इसीलिए हमने कहा कि कोई कितने बड़ा आदमी हो उसको सामान्य बना रहना चाहिए। मेरे अपने खुद के भी इसी प्रकार के आग्रह है कि हमको इससे बचना चाहिए। जहां तक आपने कुछ बातें कही है मैं उस पर गौर करूंगा, निश्चित रूप से हम ऐसी कोई बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भी एक खास मुहिम चलाई थी मुख्यमंत्री जी, आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से, जिनको जरूरत है कोई एम्बुलेंस चलना चाहिए वो लगाए, तो समझ में आता है आम आदमी क्यों बजाना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए।